आपसे कई क्वेश्चन करने जा रहे हैं। जैसे वर्षा हुई थी, वर्षा हो रही है, वर्षा होती रही है, उसके बाद वर्षा होती रहेगी, वर्षा हो रही होगी, वर्षा हुई होती, वर्षा होना चाहिए था, वर्षा होने की ज़रूरत है। टॉपिक एक ही है, सब्जेक्ट एक ही है, लेकिन स्ट्रक्चर बहुत सारा होगा। हर स्ट्रक्चर को जानेंगे समझेंगे, क्योंकि कहा जाता है पढ़े लिखे होने से बेहतर है पढ़ते लिखते रहना। इसलिए कुछ हमेशा नया सीखते रहे। और एक बात और है कि आप सीखना और जानना में अंतर समझ लें। जानना, हम जो बतला रहे हैं इसे अगर समझ गए तो आप जान लिए, लेकिन इस पर बहुत सारे प्रैक्टिस करेंगे, बहुत सारे सेंटेंस को बनाएंगे, बोलने का प्रैक्टिस करेंगे, तब आप इसे सीख जाएंगे। तो इसलिए प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस करना जरूरी है। जो भी चीज़ बताते हैं हर एक पॉइंट को समझ और प्रैक्टिस कीजिए। अब क्या है कि आपको टोटल 8 स्ट्रक्चर्स जानना है। यहां पर जो पहला दो है ये बिल्कुल आसान है, क्योंकि इसे हम टेंस के रूल पर बनाएंगे। इसके आगे जो भी देखेंगे ये थोड़ा सा आपको कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा, ग्रामर का यूज सही तरीके से करना है, स्पेशल रूल को समझना है। तो इसलिए जरूरी है कि आप एक एक पॉइंट को समझिए, क्योंकि इसके जरिए हम आपको कई चीज बताना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं, वो देख लीजिए। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि वर्षा हुई थी। अब क्या है कि वर्षा यानी कि मौसम से संबंधित कुछ भी चर्चा करेंगे तो इट का प्रयोग जरूरी है। वर्षा से संबंधित यानी मतलब मौसम से संबंधित जो भी चर्चा करेंगे इट लगाना जरूरी है। और यहाँ पर वर्षा हुई थी टेंस का रूल कैसे काम करेगा, पास्ट इंडिफिनिट का रूल कैसे काम करेगा, हम एक एक करके बताते हैं। जैसे देखिए वर्षा हुई थी तो हम इट का प्रयोग जरूर करेंगे, चलिए मैंने इट का प्रयोग कर दिया। और पास्ट इंडिफिनिट में सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू का प्रयोग होता है। जैसे हमें करना क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू का प्रयोग करना है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू। अगर इसी का नेगेटिव हमें यूज करना होगा तो सब्जेक्ट प्लस और उसके बाद डिंट का यूज करना है, यानी कि डिड नॉट जो लिखते हैं, और उसके बाद वर वन का प्रयोग करना है। इसी का इंटरगेटिव अगर बनाना होगा तो हम क्या करेंगे, डिड प्लस सब्जेक्ट और प्लस वी वन। लेकिन अब कैसे इसमें वर्षा वाली बात में कैसे इसका प्रयोग करेंगे सो देख लीजिए। तो इट का प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट रूप में, वर्षा हुई थी हम लिखेंगे इट रेंड, इट रेंड, वर्षा हुई थी, बस इतना आसान तरीके से। अब क्या है कि वर्षा नहीं हुई थी, अगर नेगेटिव आपको बोलना है तो चले इस रूल का यूज करते हैं, सब्जेक्ट के जगह पर हम इट का प्रयोग करेंगे। इट यहाँ पर इंट्रोडक्टरी इट है और इसका कोई खास मीनिंग होता नहीं, लेकिन लिखना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे वर्षा नहीं हुई थी तो हम क्या लिखेंगे, इट डिंट रेन, इट डिंट रेन, क्योंकि जब भी डिड का प्रयोग करेंगे तो उसके बाद में वर्ब वन का प्रयोग करना होगा। क्या वर्षा हुई थी आपसे पूछ रहे हैं, क्या वर्षा हुई थी, तो एक एक कर समझिए। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे डिड इट रेन, क्या वर्षा हुई थी, और इस तरीके से आप बोल सकते हैं। वर्षा की जब भी बात हुई तो हम ऐसा बोल सकते हैं। अब सवाल है कि वर्षा हो रही है, इसे आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, वर्षा हो रही है, तो चलिए इसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो बनाते हैं उसी पर हम इसका यूज करते हैं। जैसे वर्षा हो रही है तो हम क्या करेंगे, ये बिल्कुल आसान है, आगे देखना है आपको, भागना नहीं है, जो टिकेगा वही सीखेगा, तो एक एक करके इसे देखना है। तो वर्षा हो रही है तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे इट इज रेनिंग, इट इज रेनिंग। अब चलिए अब बोलना है आपको कि वर्षा नहीं हो रही है, तो चलिए यहाँ पर लिखना है इट इज नॉट रेनिंग, इट इज नॉट रेनिंग। अगर हम आपसे पूछते हैं कि क्या वर्षा हो रही है, क्या वर्षा हो रही है, तो फिर हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे इज इट रेनिंग, क्या वर्षा हो रही है। लेकिन असली बात तो इसके बाद है, क्योंकि अब जो सेंटेंस है इसमें थोड़ा सा स्पेशल रूल का यूज करना है, तो इसलिए जरूरी है कि सही से देखिए। अब यहाँ पर क्या है कि वर्षा होती रही है, इसमें भी थोड़ा सा दिमाग लगाना है, क्योंकि टेंस के रूल से हम इसे ऐसा बोल सकते हैं, इंग्लिश में बोल सकते हैं। तो जब भी कोई काम होती रही है पास्ट से अभी भी जारी है, तो उसमें हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के रूल को यूज करेंगे। तो करना क्या है, आप हैव बीन, हैज बीन और वर्ब फोर का प्रयोग करना इट के साथ में। चलिए अब इट का प्रयोग करते हैं, इट प्लस हम करते हैं हैज बीन, और उसके बाद में हम वर्ब फोर का प्रयोग करेंगे। कैसे, तो वर्षा होती रही है तो चलिए हम लिखेंगे इट हैज बीन, इट हैज बीन रेनिंग, इट हैज बीन रेनिंग।
अगर वही निगेटिव में बोलना है कि वर्षा नहीं होती रही है, तो फिर आप क्या बोलेंगे? वर्षा नहीं होती रही है, तो चलिए हम लिखेंगे इट हैज़ नॉट बीन रेनिंग, वर्षा नहीं होती रही है। अगर यही चीज़ इंटरोगेटिव में पूछे कि क्या वर्षा होती रही है, तो हम क्या करेंगे? हम लिखेंगे हैज़ इट बीन रेनिंग। बहुत आसान तरीके से है, और इसी तरीके से हम आगे की ओर चलते रहेंगे। अब सवाल है यहाँ पर कि वर्षा होती रहेगी, फ्यूचर में कोई काम होता रहेगा, मौसम के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि वर्षा होती रहेगी, इसके रूल को भी समझने का प्रयास कीजिए। तो खासकर यहाँ पर वर्षा की बात है तो हम इट तो लिखेंगे ही, और बहुत आसान तरीके से विल बी और हम प्लस वर्ब फोर का प्रयोग करेंगे। तो वर्षा होती रहेगी तो क्या होगा, चलिए देखते हैं। यहाँ पर वर्षा होती रहेगी, It will be raining, वर्षा होती रहेगी। It will be raining, वर्षा होती रहेगी। नेगेटिव ही बोलना है आपको कि वर्षा नहीं होती रहेगी। अगर ऐसा ही बोलना है तो it will not और be उसके बाद raining का प्रयोग करेंगे। थोड़ा सा समझना क्या है सो देख लीजिए कि जब भी not का प्रयोग करेंगे तो will be के बीच में लिखना पड़ेगा, जैसे will not be। क्या वर्षा होती रहेगी तो हम विल को पहले ले आएंगे, विल इट और बी को फिर बाद में लिखेंगे। विल इट बी रेनिंग, क्या वर्षा होती रहेगी। इस तरीके से बिल्कुल सिंपल है। अब यहाँ पर दिमाग जरूर लगाना पड़ेगा क्योंकि कुछ स्पेशल है, जैसे वर्षा हो रही होगी, अभी वर्तमान की बात कर रहे हैं कि अभी अभी हम लोग कुछ सीख रहे हैं, लेकिन अभी जस्ट कहीं पर वर्षा हो रही होगी, अगर इसको बोलना है तो कैसे यूज करेंगे। तो इसके लिए आप मॉडल में आप चाहें तो वुड बी या फिर मे बी का यूज़ कर सकते हैं, कैसे, उसके साथ में वर्ब फोर, तो इट का प्रयोग कर देंगे, और उसके बाद हम वुड बी का भी प्रयोग कर सकते हैं, वुड बी प्लस वर्ब फोर, या फिर हम चाहें तो मे बी का भी प्रयोग कर सकते हैं, मे बी प्लस वर्ब फोर। जब भी कोई काम अभी वर्तमान में हो रहा होगा, वर्तमान में जारी होगा, तो मे बी प्लस वर्ब फोर या फिर वुड बी प्लस वर्ब फोर का यूज कर सकते हैं। जैसे वर्षा हो रही होगी तो हम लिखेंगे, चलिए हम मे बी का यूज करते हैं, इट मे बी रेनिंग, वर्षा हो रही होगी। चलिए नेगेटिव जानना भी जरूरी है, तो इट मे नॉट बी रेनिंग, वर्षा नहीं हो रही होगी। चलिए अब इसके साथ अब इंटरगेटिव भी देख लेते हैं, तो हम इसे मे को शुरू में लिखेंगे, उसके बाद इट का प्रयोग करेंगे, मे इट बी रेनिंग, क्या वर्षा हो रही होगी। और इस तरीके से बहुत आसान तरीके से हम इस तरह के सेंटेंस को बना सकते हैं, जब भी कोई काम हो रहा होगा तो मे बी और वुड बी में वर्ब फोर का प्रयोग करेंगे। जैसे हम बता चुके हैं कि वह पढ़ाई कर रहा होगा, तो ही मे बी स्टडिंग, ही वुड बी स्टडिंग बोल सकते हैं। यहाँ पर जो सेंटेंस है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे देखेंगे, वर्षा हुई होती, पास्ट की बात है कि वर्षा हुई होती लेकिन नहीं हुई। अब इसमें भी दो तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं, तो चलिए हम देखते हैं। इट के साथ में हम चाहें तो माइट हैव का प्रयोग कर सकते हैं, माइट हैव, और उसके बाद में हम वर्ब थ्री का प्रयोग करेंगे, और माइट हैव के साथ में हम चाहें तो वुड हैव का भी प्रयोग कर सकते हैं, वुड हैव और इसके साथ में वर्ब थ्री। पास्ट में कोई काम हो गया होता, नहीं हुआ, तो उस कंडीशन में आप माइट हैव प्लस या फिर वुड हैव और उसके साथ में वर्ब थ्री, इन दोनों में से कोई प्रयोग कर सकते हैं। तो वर्षा हुई होती तो हम किसके लिए क्या करेंगे, चलिए किसका यूज़ करना आपको, चलिए माइट हैव का यूज़ करते हैं, तो इट माइट हैव और वर्ब थ्री का प्रयोग करना है तो हम करेंगे रेंड, इट माइट हैव रेंड, वर्षा हुई होती, चलिए नेगेटिव ही जाना जरूरी है, इम्पॉर्टेंट है आज, तो इट माइट नॉट हैव और वर्ब थ्री का प्रयोग करना है तो हम लिखेंगे रेंड। और इसी तरीके से अगर इंटरगेटिव बनाना है तो क्या वर्षा हुई होती, तो चलिए माइट को हम शुरू में लिख लेंगे, माइट इट, उसके बाद हैव का प्रयोग करना ही होगा, तो माइट इट हैव रेंड, क्या वर्षा हुई होती।
किस तरीके से। अब इस पर क्या है कि मान लीजिए हम और भी तरीके से बोल सकते हैं, जैसे मैं ताजमहल देख लिया होता तो आई माइट हैव सीन द ताजमहल, इस तरीके से आप सेंटेंस को क्रिएट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट सेंटेंस यहाँ पर देख रहे हैं कि वर्षा होना चाहिए था, नहीं हुआ, होना चाहिए था, तो हम कैसे यूज करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इट के साथ में चलिए शुड हैव का यूज करते हैं, शुड हैव, और इसके साथ में वर्ब थ्री का प्रयोग करेंगे कैसे। तो वर्षा होना चाहिए था, तो चलिए हम लिखते हैं इट शुड हैव, इट शुड हैव, और वर्ब थ्री का प्रयोग करना है तो हम लिखेंगे रेन्ड, इट शुड हैव रेन्ड। चलिए निगेटिव भी देख लेते हैं कि वर्षा नहीं होना चाहिए था, तो चलिए इट शुड, और उसके बाद हम नॉट का प्रयोग करेंगे तो इट शुड नॉट हैव रेन्ड, वर्षा नहीं होना चाहिए था। चलिए आगे की ओर देखते हैं कि क्या वर्षा होना चाहिए था, क्या वर्षा होना चाहिए था, तो हम लिखेंगे शुड इट और हैव, शुड इट हैव रेन्ड, क्या वर्षा होना चाहिए था, क्या वर्षा होना चाहिए था, शुड इट हैव रेन। अब यहाँ पर नेक्स्ट देख लेते हैं कि वर्षा होने की जरूरत है, इसमें थोड़ा सा अतिरिक्त दिमाग लगाना पड़ेगा क्योंकि नीड का प्रयोग यहाँ पर मेन वर्ब की तरह और हेल्पिंग वर्ब की तरह भी कर सकते हैं। कैसे देख लीजिए, जैसे हम क्या करेंगे, अगर नीड को मेन वर्ब मान लेते हैं, नीड को मेन वर्ब मान लेते हैं तो नीड्स करना पड़ेगा और प्लस इन्फिनिटिव, प्लस इन्फिनिटिव। अब कैसे यूज कैसे होगा सो देख लीजिए, जैसे वर्षा होने की जरूरत है तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे इट नीड्स टू रेन, इट नीड्स टू रेन, वर्षा होने की जरूरत है। चलिए ये हो गया मेन वर्ब की तरह, लेकिन अगर आपको सिर्फ नीड ही बोलना है, मॉडल का यूज करते हैं वैसे यूज करना है, तो आप बोलेंगे ये नीड टू को हटा देंगे, नीड्स टू जो है आप डायरेक्ट बोलेंगे इट नीड रेन, लेकिन मज़ा नहीं आता है, बोल सकते हैं करेक्ट है, लेकिन आप अगर इसे मेन वर्ब की तरह यूज़ करते हैं स्पोकन इंग्लिश में तो थोड़ा सा अच्छा लगता है। तो इट नीड्स टू रेन, वर्षा होने की ज़रूरत है। अब नेगेटिव में देख लेते हैं कि वर्षा होने की जरूरत नहीं है तो हम लिखेंगे इट डजंट, और उसके बाद फिर नीड लिखेंगे, इट डजंट नीड और टू रेन, वर्षा होने की जरूरत नहीं है। यही अगर इंटरगेटिव में लिखते हैं तो क्या होगा, तो हम लिखेंगे डज इट नीड, और जब भी हम नीड का प्रयोग मेन वर्ब की तरह करेंगे तो इसके बाद अगर वर्ब आ रहा है तो टू लगाना पड़ेगा, डज इट नीड टू रेन, क्या वर्षा होने की ज़रूरत है, डज इट नीड टू रेन, क्या वर्षा होने की ज़रूरत है। तो वर्षा एक वर्ड है, एक सब्जेक्ट है, और इस पर आपने सीखा टोटल 8 स्ट्रक्चर, लेकिन आपने नहीं सीखा, आपने सिर्फ जान लिया है। अब क्या करना है कि इस पर बहुत सारे सेंटेंस को बना करके कमेंट बॉक्स में लिखिए, प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि अब हम आपसे क्वेश्चन नहीं पूछना चाहते, हम चाहते हैं कि आप पढ़ते पढ़ते प्रैक्टिस कर लीजिए, कॉपी पर नहीं लिख करके चलिए कमेंट बॉक्स में लिखते चले जाइए। अब से हम यही करना चाहते हैं, अब आप लोग भी बताएंगे कि ये तरीका कैसा रहेगा कि पढ़ते पढ़ते और आप कमेंट बॉक्स में प्रैक्टिस भी करते चलेंगे, हर एक स्ट्रक्चर पर कुछ ना कुछ सेंटेंस बनाते चलेंगे, और हम उसे भी देखने का प्रयास करेंगे, कभी गाइड भी करने का प्रयास करेंगे, और जो रेगुलर देखते हैं कमेंट करते हैं उन्हें हम याद रखते हैं, आपका नाम याद रखते हैं, जो भी रेगुलर देखते हैं उनका नाम तक हम याद रहता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप हमसे पढ़िए और कमेंट बॉक्स में प्रैक्टिस भी करते चलना है, हम आपको गाइड करते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए, लाइक करने के लिए और शेयर करने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।